नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल। मैं हूं शिवांगी। चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के मुख्य कार्यालय पर तहसीलों से आकर एकत्रित हुए। इस अवसर पर व्यापार मंडल के मुख्य कार्यालय थे। व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी के नेतृत्व में काफिले के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिला अधिकारी महोदय को पेट्रोल डीजल एवं रसोई गैस की बढ़ती कीमतों में कटौती कराने हेतु ज्ञापन प्रेषित किया गया। इस अवसर पर व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी द्वारा बताया गया कि लगातार पिछले एक वर्ष से पेट्रोल डीजल व रसोई गैस में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। पूरे देश की जनता व व्यापारी समाज में त्राहि त्राहि मच गई है। इस भयंकर महंगाई से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आम जनता का जीवन यापन करना असंभव महसूस हो रहा है। इस संबंध में पेट्रोल डीजल व रसोई गैस की कीमतों में 25% की कमी होना चाहिए। इस अवसर पर व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी ने बताया कि लगातार अनुरोध के बावजूद प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम मंत्रालय आम जनता की सुविधा को देखते हुए वह आम जनता की तड़प व परेशानी को देखते हुए दरें कम करने को तैयार नहीं है, जिससे आम जनता में कोहराम मच गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि पहले से ही भयंकर आर्थिक मंदी व तबाही झेल रहे व्यापारी आंदोलन करने पर मजबूर हो गए हैं। इस अवसर पर व्यापार मंडल द्वारा पेट्रोल डीजल व रसोई गैस की कीमतों में 25% दरें कंपनी के लिए प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम मंत्रालय से मांग की है। इस अवसर पर दूर दराज से आए हुए राज बहादुर यादव, राजीव शर्मा, अरविंद गुप्ता, बाबर खान, आनंद प्रकाश शर्मा, अनवर अली, स्वार हाजी मुरब्बर टांडा, सरदार सुरमीत सिंह, छाबड़ा राजू गुप्ता, मलिक प्रकाश गुप्ता, मसवासी फारूक अली समोदिया, महबूब अली मुरैना, सुदेश यादव ज्वालानगर, नीलेश वर्मा टांडा, तवरेज अली कैमरी, नाफिस कादरी, सार सलविंदर, विधायक महफूज हुसैन, पुलकित अग्रवाल, अतुल शर्मा आदि उपस्थित रहे। हमारे संवाददाता डॉक्टर नासिर सूरी की खास रिपोर्ट। आत्महत्या करने पर लोग आमादा हैं। नोटबंदी और जीएसटी के बाद से पहले ही अब पूरा देश देख रहा है कि अर्थव्यवस्था टूटने के कगार पर है। आज भी पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। ऐसी स्थिति में डीजल, पेट्रोल, रसोई जैसी कीमतों में कमी होना अनिवार्य है।